हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज आरजू कक्कड़। इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है एंटी डोपिंग बिल के ऊपर। अगर आपको ध्यान हो, रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जो वाडा के बारे में है ना, जो कि एक एंटी डोपिंग एजेंसी है वर्ल्ड वाइड, सिमिलरली इंडिया में भी है। और आपने ये भी देखा कि इंडिया में टॉप ऑफेंडर्स हैं जो जिन्होंने रूल्स वॉयलेट किए इन डिफरेंट इन एथलेटिक्स, इन बॉडी बिल्डिंग, इन वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पर अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एंटी डोपिंग बिल इंट्रोड्यूस किया है। ये बिल के क्या पॉइंट्स हैं, क्या पावर है नाडा की इंडिया के अंदर जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, और स्टेटस क्या है जो ऑलरेडी NDTL है, जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, बैकग्राउंड, आप क्या रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो नाडा को, और नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट ये क्या है जिसकी बात चल रही है। तो विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सेशन को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देखो, पहले बिल के की पॉइंट्स बताती हूँ, और इस सेशन को देखने से पहले ना एक बार प्लीज जाकर वो सेशन देखना जिसपे मैंने आपके साथ वाडा डिस्कस किया है। अगर लिंक करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये भी एक रीसेंट न्यूज है, राइट? तो अब वहां पर जब आप इंडिया वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली टॉप ऑफेंडर्स में आ रहा है, जहां पर हम एंटी डोपिंग रूल्स को वॉयलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब इसी के सिंक में इंडिया में ऐसा बिल लाना, तो क्या लिंक क्या है और हम कैसे इन इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले सिंपल सी बात अगर बताऊं तो मैंने एंटी डोपिंग वहां पर भी बताया था। एंटी डोपिंग वही है कि डोपिंग क्या है, जब एंटी डोपिंग जब कोई भी एथलीट ऐसी कोई ड्रग कंज्यूम करता है फॉर यू कैन से अपनी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी पार्टी से अपनी बोल सकते हो जो परफॉर्मेंस है उसको ऊपर इम्प्रूव नहीं बोल सकती, उसको एकदम से स्ट्रांग करने के लिए अपनी बॉडी में जब आप ऐसे ड्रग्स ले लेते हो। अब ऐसा नहीं है सिंपल प्रोटीन ले लिया मसल स्ट्रांग हो जाएगी, प्रॉपर कुछ ड्रग्स यहाँ पर दिए गए हैं, लिस्टेड हैं कि आपको ये कंज्यूम नहीं करने हैं। जब आप गेम में जा रहे हो, स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आप चाहते हो एकदम से आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए, आपकी परफॉर्मेंस वेट लिफ्टिंग में एकदम से इम्प्रूव हो जाए और एक्स्ट्रा पावर बोल सकते हो, एक्स्ट्रा पावर के लिए आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। और यहां पर ये वॉयलेट भी करता है वर्ल्ड वाइड जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। उसी के चलते एक बिल इंडिया के अंदर लाया गया है। अब जैसे वर्ल्ड वाइड वाडा है जो एजेंसी, सिमिलरली इंडिया में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो फंक्शन करती है इसी के लिए। और बिल कहता है कि इसको अब एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देना बहुत जरूरी हो गया है। नाडा बेसिकली बिल इसको एम्पावर करेगा कि वो रेड्स कंडक्ट कर पाए, पहले वो नहीं कर सकती थी, उसके पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन बिल अब उसको एम्पावर करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा कि जो भी ड्रग एब्यूज इंडिया में अंदर हो रहे हैं उसको टैकल करें, रशिया के अंदर जैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं एज पर द रिपोर्ट गिवन बाय वाडा। तो अब ये बिल, इट विल ऑल्सो गिव द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क टू दिस नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी है जहां पर ब्लड सैंपल लिया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको भी एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क देने की बात करी जा रही है। और साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स इसको क्रिएट किया जाए, ताकि स्पोर्ट्स में जो एंटी डोपिंग एक्टिविटीज हो रही हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, राइट? मूविंग अहेड, नाडा की पावर्स की बात करूं तो ये बिल ये कहता है कि जब ये ऐसा बिल आएगा, जब आप उसको स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दे दोगे, तो नाडा जैसी एजेंसी, एंटी डोपिंग जो इंडिया की एजेंसी है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, उसके पास पावर आ जाएगी, इंस्पेक्शन की पावर, सैंपल को कलेक्ट करने की पावर, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और जो भी सैंक्शंस हैं फॉर एंटी डोपिंग रूल वॉयलेशंस और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स उनको प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। क्लॉज 9 ऑफ द बिल नाडा को ये पावर प्रोवाइड करता है ऑफ एंट्री, सर्च एंड सीजर बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट, ताकि जो एंटी डोपिंग वो रूल्स जो वॉयलेट हो रहे हैं वो नहीं हो और उनको प्रॉपरली डिटरमाइन किया जाए। ये प्रोसीजर इट हैज टू बी अडॉप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। नाडा की पावर्स की बात करूं तो अर्लियर इस अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर नहीं थी, रेड कंडक्ट करने की पावर नहीं थी। जब आप वर्ल्ड लेवल पे देखो, अगर आप कितना मतलब आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट गुड फॉर द इमेज ऑल्सो, जहां पर इंडिया जैसी कंट्री टॉप 3 अंडर द लिस्ट ऑफ टॉप 3 में आ रही है, जहां पर इन बॉडी बिल्डिंग और इन वेट, जहां पर रूल्स वॉयलेट हो रहे हैं एंड वी आर कमिटिंग सच थिंग्स, तो ऑब्वियसली उसको यहीं पर रोक दिया जाए, यहीं पर टेस्टिंग लेबोरेटरीज हों और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पैनल है वो इन सबको यहीं देखे, प्रॉपर पावर्स उन्हें दी जाएं और जो एंटी डोपिंग है उसके अगेंस्ट प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएं। तो मैनी फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन जो कि हेड हैं ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एक्सपर्ट्स, उनको कॉल किया गया फॉर एन एंटी डोपिंग लेजिस्लेशन टू गिव मोर टीथ टू द एग्जिस्टिंग रूल्स मेड अंडर द वाडा एंटी डोपिंग कोड।
स्टेटस बताऊं एनडीटीएल का, तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उन्होंने करंटली सस्पेंड कर दिया एनडीटीएल को, क्योंकि उन्होंने कहा यू आर फेलिंग टू मीट दी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। तो अब यहां पर वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए नाडा को। और बैकग्राउंड अगर बताऊं तो इंडिया ने 2005 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन 2 था, इसको बेसिकली साइन किया। ये किसके अगेंस्ट बात करता है? अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट के अगेंस्ट। और इसको इंडिया ने रेटिफाई किया 2007 में। इंडियन गवर्नमेंट ने फिर एनडीटीएल को एस्टैब्लिश, जब आप रेटिफाई कर रहे हो तो 2008 में आप एनडीटीएल लेकर आए, 2009 में आप नाडा लेकर आए, लेकिन दोनों को एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आपने एस्टैब्लिश किया। अब बोथ द एजेंसीज, अब ये बिल कहता है इसको डिजोल्व करेंगे, दोनों एजेंसीज को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, प्रॉपर लॉ लाया जाएगा, और एज द नाडा विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट विद द सेम नेम। न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस होगा, डायरेक्टर जनरल इसको हेड करेंगे, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और साथ ही साथ एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट इस बिल में है कि इसको भी क्रिएट करेंगे, जिसमें चेयरपर्सन और दो अदर मेंबर्स होंगे, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट नाडा एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द बिल जो बात करी जा रही है, और वर्ल्ड वाइड अगर आपको इंडिया की पोजीशन देखनी है, तो मैंने जैसे जैसे आपको कहा है, मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया है वाडा के ऊपर, वहां पर जाकर आप वर्ल्ड वाइड इंडिया और दूसरी कंट्रीज की पोजीशन को और वाडा को भी अच्छे से समझ सकते हैं। फिर दोनों लेक्चर्स को लिंक जरूर करना। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।